काम कर। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने भी राम मंदिर मामले पर राम गोपाल यादव को घेरा। लल्लू सिंह ने कहा कि पूरा देश जानता है किस तरह सपा ने राम भक्तों पर अत्याचार किया था, गोलियां चलवाई थी। राम गोपाल जी कुछ बोल सकते हैं, उनको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा देश जानता है कि लोग क्या करेंगे, किस प्रकार 1989 में इन लोगों ने राम भक्तों के साथ अत्याचार किया था, गोलियां चलाई थी, ये पूरा देश जानता है। जैसे जैसे यूपी के पहले फेज के मतदान की तारीख करीब आ रही है, सर्दी में यूपी का चुनावी पारा बहुत हाई हो चुका है। अयोध्या के साधु कांग्रेस उम्मीदवार रीता मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संतों का आरोप है कि रीता मौर्य काफी दिनों से धर्मांतरण के लिए काम कर रही हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने दावा किया है कि ऐसे उम्मीदवार के साधु संत विरोध करेंगे और कांग्रेस को जनता आईना दिखाएगी। कांग्रेस ने अयोध्या से रीता मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका विरोध हो रहा है। दरअसल इन पर आरोप ये लग रहा है कि इन्होंने धर्मांतरण का काम किया है और अब इनके चेहरे को क्यों पार्टी मौका दे रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता शुरू से ही रही है वो दर्शाते हुए और उन्होंने प्रत्याशी अयोध्या में दिया है। जिस महिला का उन्होंने महिला को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, वो महिला लगातार ईसाई मिशनरियों के लिए काम करती है, लगातार धर्मांतरण के मामले में तमाम जगह चंगाई सभा लगाकर, और जो भोले भाले हिंदू हैं मौर्य समाज के, दलित समाज के, पिछड़े समाज के और भी गरीब समाज के, उनको बरगला कर ये महिला ईसाई बनाती है। ऐसे लोगों का धर्मनगरी अयोध्या से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या का साधु संत हिंदू जनमानस इसका पुरजोर विरोध और निंदा करता है। अमित सिंह हमारे से योगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह, ये पूरा विवाद है क्या, साधु संतों की नाराजगी हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को लेकर, धर्मांतरण का सीधे सीधे आरोप लग रहा है, तो इससे पहले हुआ क्या है वो जरा हमारे दर्शकों को ब्रीफ कीजिए। देखिए, फिलहाल साधु संतों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जो प्रत्याशी है रीता मौर्य, ये लंबे समय तक धर्मांतरण गैंग के साथ जुड़ी रही है, लोगों का धर्मांतरण करती रही है, तो ये सीधा सीधा आरोप साधु संतों का है। तो इस आरोप पर फिलहाल ना ही कांग्रेस पार्टी और ना ही रीता मौर्य जो की उम्मीदवार हैं वो कुछ नहीं कह रही है। बीते कल भी हमने रीता मौर्य से बातचीत करने की कोशिश की है इस पूरे मसले पर कि जिस तरीके से संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं साधु संतों के द्वारा, वो भी अयोध्या से, और अयोध्या से ही वो चुनाव लड़ रही हैं, तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज देखना होगा कि आज वो क्या कुछ कहती है कि नहीं अपने सफाई में। फिलहाल साधु संतों की तरफ से सीधे आरोप लगाया गया है कि पहले ये धर्मांतरण गैंग के साथ जुड़ी हुई थी और ये लगातार धर्मांतरण करवा रही थी। जी चलिए अमित, फिलहाल शुक्रिया। रामादल के अध्यक्ष कल्कि राम ने भी रीता मौर्य पर धर्मांतरण का आरोप लगाया है और दावा किया है कि ऐसे लोगों का जनता विरोध करने वाली है। कि जो सनातन धर्म का विरोधी है वही कांग्रेस का प्रत्याशी है, अयोध्या के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। जो सनातन धर्म की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं कांग्रेस उनको टिकट दे रही है, और यह बात पूरे सनातन समाज को समझनी चाहिए कि सनातन समाज का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो अंग्रेजी संगठन कांग्रेस पार्टी है। इसलिए इसके समूल नाश का संकल्प लेकर हमें अपनी शत प्रतिशत एकजुटता के साथ प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी का समर्थन करना है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए सड़क पे खून के आंसू रोना पड़ेगा। और अयोध्या का जो प्रत्याशी है ये तो आरोपों की सिरमौर है। इनके वहां डेली नित्य सुबह 5 बजे एक सभा लगती है जिसमें धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जाता है। उनके बारे में अयोध्या का बच्चा जानता है कि वो किस तरह धर्म परिवर्तन का बिजनेस चला रहे हैं। तो साधु संतों की नाराजगी आप देख रहे हैं अयोध्या में, क्या कांग्रेस पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत ऐसे चेहरे को मौका दिया है, क्योंकि साधु संतों की नाराजगी तो ये है कि जो सनातन के खिलाफ कदम उठाते रहा है उसको क्यों मौका, उसको क्यों कांग्रेस पार्टी इस तरीके से आगे लेकर आ रही है। और ये सिर्फ अयोध्या तक के लिए सवाल नहीं साधु संतों का ये कहना है, जिसमें महंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी के महंत है उनका ये कहना था कि सिर्फ यही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर है कि जो भी
सनातन के खिलाफ में आवाज बुलंद करता है उसको पार्टी मौका देती है। अब अयोध्या जो कि सनातन की राजधानी के तौर पे आप देख सकते हैं भव्य राम मंदिर का एक तरफ निर्माण हो रहा है और वहां जाकर कोई भी ये खतरा मोल नहीं लेता है कि वो साधु संतों को नाराज करे। अगर वैसे जगह पे कांग्रेस पार्टी ने रीता मौर्य को मौका दिया है जो कि उनके ऊपर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं कि वो धर्मांतरण से जुड़ी हुई है, तो कांग्रेस पार्टी ही बता पाएगी कि इसके पीछे स्ट्रैटेजी है क्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तीन बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में होंगे। अलग अलग इलाकों में ये चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं, जिसमें अमित शाह की मौजूदगी रहेगी बुलंदशहर में, जेपी नड्डा सिराथू में रहेंगे और अमरोहा में रहेंगे राजनाथ सिंह। ये बीजेपी के तीन बड़े चेहरे और तीनों चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और ये यहां पे चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि अमित शाह की मौजूदगी हर दिन किसी न किसी जिले में रहती है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में जरूर रहती है, जहां से पार्टी को ये तय करना है कि आगे की राहें आसान हो जाए लखनऊ पहुंचने तक के लिए। तो अमित शाह आज भी पश्चिमी यूपी में है। अमित शाह सुबह 11 बजे बुलंदशहर के अनूप शहर विधानसभा में रहेंगे, जबकि दोपहर की बात करें तो वो तकरीबन 1 बजे डिबाई में होने वाली एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा के बाद वो दोपहर 3:30 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे और एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। अमित शाह लोनी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद वो लोनी के गढ़ी कटैया गाँव में डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। और इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और मथुरा में चुनाव प्रचार किया था। चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर आरएलडी की जो जोड़ी है उस पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी आई थी, ये निशाना था राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तब की जोड़ी को लेकर, और अब जयंत चौधरी और अखिलेश जब चुनावी माहौल में एक साथ आ रहे हैं तो इसको लेकर सीएम योगी ने यह बयान दिया। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है, हिस्ट्री सीटर, और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहाता उनके खून से रंगा रंगी हुई टोपी है, राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे।